नमस्कार मु नमिता हाणीसा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो आज रेसीपी हूँ मानने बेंगली लोक गोटे ट्रेडिशनल स्वीट आइटम से भापा दही। बहुत इजी बहुत टेस्टी रेसीपी, खरा दिन बनात बहुत बढ़िया लगे। स्पेशली रजरे बनात बेसी समय लगे, खीरी अलग जिन सब प्रिपेयर कला बहुत टाइम लगे, मीठा मीठा जिन स्पेशली। तो ये भापा दही बनई रखु जीतु खरा दिन समस्त को बढ़िया लगे। ये कम से कम मानते कौन स्टीम आम जो छेना पोड़ स्टीम जो आसे तार टेस्ट ठार कि कम न, पूरा सेमिता टेस्ट लगे आपण मानक बहुत बढ़िया लगे। सी भापा दही भाया लगे, मैंने स्टीम खाला भाया लगे। गोटे थोड़ा ट्राए करके देखते रेसीपीटा निहाती आपको भल लगे। एवं चलत आम भिडटा स्टार्ट करवा और देखिए चलते मुझ कौन कौन सब इनग्रीडियंट यूज करी आमर मेंगो भापा दही प्रिपेयर कर। तो आज आम बनवा गोटे स्वीट डिश जोटा कि आम समर पर तो बहुत बढ़िया आ बेंगली लोक मैंने यहाँ एक्चुअली मोस्टली बनाती सीटा हूँ भापा दही। आज आम मेंगो भापा दही बनेबी कारण आंबर तो सीजन चलती तो आंब मीठा मीठा आंब आसुच्छे। तो से देखूँ मुझे दीटा आंब को आंबर एम पल्प काटिकी रखीदे आउ कंडेन्सड मिल्क नहीं कप आपड़ कंडेन्सड मिल्क बदल में क्षीर को गोटे हाफ लिटर क्षीर को पूरा बढ़िया से मारिकी जी बहलिया क्षीर राबड़ी भाया करके भी आप यूज करेंगे सेटा आपणकर चॉइस। आउ रहा ये कर्व दही दही मुझे देखो मुझे मार्केट दही यूज कर मिल्की मिस्टी दही कारण ये मत बहुत भल लगे। आ खटा बिलकुल नहीं, खटा दही जमा यूज करें, फ्रेश दही ट्राए करेंगे यूज करने ना आप घर बसई दही भी यूज करें। मुझे जी आम गोटे कप नौ कंडेन्स मिल्क देन टू एंड हाफ कप ने भी आमर दही। आपड़ जी दी कप नहीं कंडेन्स मिल्क देन यहाँ मैंने गोटे पांच कप आपन को नाक पड़े दही। तो सहीटा हूँ मेजरमेंट रिक्वायरमेंट हिसाब से आपड़ यूज करूँ। तो ये आम नवा आमर बउल नवा आई रखीदेली आमर स्टेनरटा रखिदे आगे कम करवा कारण आमको दही को ना टे हंगकर्ड बनवाक पड़ो कहीं पानी पानी दही रे आमर दही माने मिस्टी दही बनी पारिबनी। तो हंगकर्ड बनवाप मुझे नौ आमर दही है दही को मुझे 2.5 कप मुझे दही आमर देदेली। तो बर्तमान आप करूँ गोटे अध घंटा ये आपको छाड़क पड़ो कहीं दहीटा आमर पानी माने छाणी हाँपे गोटे अधघंटा आपको टाइम लगे। तो आपड़ कौन करूँ एमती जाकि देखते मुझे तो ये गोटे मिल्क मिस् डबाटा रखीदे कौन सी ओजन जिनस रखिदिंतु जहाँफल आपणकर दही रु शीघ्र पाटा बाहरी जाटा को चलत अधघंटा खंडे छाड़दे। तो ये चलत आम नेक्स्ट प्रिपेरेसन स्टार्ट करवा। एवं आम कौन करवा मेंगोर गोटे प्योरी बनईद है और ये मेंगो प्योरी बनैला टी गुजराती गुंड पकई दिंतु जहाँफल बढ़िया गोटे बास्ना आसो। गुजराती गुंड पकवा हूँ ऑप्शनल आप चाहिए स्किप भी करें। तो यू पूरा बढ़िया से स्मूथ पेस्ट कर दिंतु। तो ये बर्तमान आंबटा मोर बढ़िया से ब्लेंड हो। तो मुझे गोटे ना गोटे पैन रे यू बाहर करी मेंगो पल्प को आपड़ टे कम कले मॉइस्चर टिके ड्राई कर दिंतु ये गोटे थिक पेस्ट होपर ये आम यूज करवा जस्ट ये गोटे 5 मिनिट 10 मिनिट यू आम आम गैस टिके बसई कुक करदे। तो ये आम मेंगो पल्प बढ़िया से रेडी आहा सब मॉइस्चर थी ड्राए हो गला। तो ये गैस बंद करके आपके थंडा हवा को छाड़ दिंतु। तो ये बर्तमान आमर दही बढ़िया से मैंने कौन कहले पानी छाड़ गला दही रु। तो बर्तमान मुझे पकईदे आमर हंगकर्ड दही पकईद मैंगो पल्प पकईद ये तापर ये आम पड़ा कंडेन्सड मिल्क जोटा अच्छी ताको भी पकईद। तापर यू आम बढ़िया से मिक्स करवा जमीती कि गोटे क्रीमी टेक्सचर को यहाँ पलैस। तो ये बर्तमान देखो कते बढ़िया क्रीमी टेक्सचर को आसीगला।
तो एबे आमे कोन करबा चालंतु एटा को एबे केक टिन हो कटोरी हो आपन को जो थरे सुविधा से थरे ट्रांसफर कर देबा। तो बर्तन मु अमर ए दीटा मु ए दीटा कटोरी रे अमर भापा दही बनेबी देखो जे पिति जोटे भी आपन नेबे तो देखिबे ए भितरे ना किछि लाइंस नथिबे सो प्लेन थिबे दिपि जेंके आपन इजीली अनमोल्ड कर परिबे ना को टिके बेसी नै ना को टिके घीओ ग्रीस कर दे थांतु। तो ये अमर घीओ ग्रीस हे गेला तो ये अमर टिके गोटे बटर पेपर टिके रखि दउ छी माने सेफ साइड पे जदि न बाहरिबो ठीक से तापरे हमर एथरे ट्रांसफर कर दवा। ये साइज या देखा जियो बेले एटा को टिके फ्लैट कर दो छी। तो ये एल्युमिनियम फॉइल रे आपको कवर कर देबे जहाँ फल तार जो बांफ स्टीम जाक ना आपण कर्ड में पड़े ठीक है आपण दही रेडी। तो आपको बर्तमान आप कवर करके गोटे 40 मिनट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे एटा को आमे कुक करवा। तो अर्ध घंटा हो गला तो बर्तमान आम गैसटा बंद करदे आटा को केयरफुली आम प्लेट काढ़ देबा। नो डाउट एटा अर्ध घंटा हो जा तो यहाँ मुझे काढ़ी आपन को देखेबी। तो ये देखो आमर दही बढ़िया सेट हाथ में भी लगुनी है टिके आमर चेक करदे ये भी देखु एथे भी लगुनी तो मैंने यहाँ आम दही बढ़िया से भापा दही बढ़िया से रेडी एटा को आपड़ कौन करूँ गोटे तीन रु चार घंटा फ्रिज रे रखि दिंतु सेट हापर यटा को आम सर्व करवा। तो यहाँ बर्तमान आमर फ्रिज रे तीन चार घंटा रही सारा आ बढ़िया से सेट भी हो गला। कौन करवा आम टिके नाइफ रो हेल्प रे साइड टू टिके स्क्रैच कर दवा। तो परफेक्टली ये आमर बाहरी गला आईटा को आम कौन करने जो बटर पेपर अच्छी ताको भी आम बाहर करदे मुझे आम डेजिकेटेड कोकोनट रे आपको डेकोरेट करदेवि। ये जो डेकोरेट करवा से सब आपणकर हिसाब से आपड़ा करेंगे मत लगे डेजिकेटेड कोकोनट रे कले ये टे गोटे अट्रैक्शन अलग ही आसो आप मैंगो पल्प रे भी करेंगे आप चॉकलेट को ग्रेट करके भी करें सब आपणकर चॉइस। आउ समर रे रेसिपीटा निहाती ट्राए करूँ समस्त को यहाँ भल लगे।
बर्तमान आम गोटे छोट पीस काटा यू केमती लगे रेसीपी निश्चिंत कमेंट करी कभी तो भल लगेगा प्लीज ट्राए करते फ्रेंड्स में सहित शेयर करते मो चैनल हम सब सब्सक्राइब करें बिल्कुल भूल पाखे छोटे बेल आइकन अच्छे हिट करते जहाँ फल हम चैनल सब लेटेस्ट अपडेट पापारे थैंक यू।